अंदर जाता जाता है, तो उसमें जितना पानी अंदर आप घस के उतना भर ले, फिर उसको बाहर निकाल कर नोजल को और उसको पेट को हिला के उस पानी को आप निकलने दें। तो इस तरह से आप अपने घर में भी कर सकते हैं, जहां पर प्रेशर से पानी नहीं है। और दूसरा सिस्टम यदि बनाना चाहे तो एक ड्रम पीपा लेकर उसके आगे टूटी लगा ले, उसको एक ऊंचाई पर रख ले, ऊंचाई पर रख के उसमें ऐसा रख ले 10-20 लीटर आप पानी आ जाए, और उसके आगे लंबी पाइप लगाकर भी आप ये कर सकते हैं। लेकिन बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अंदर की शक्तियों को जागृत करने के लिए ये आपको करना चाहिए इसको, और बहुत ही जरूरी है उसके लिए। अब इसके साथ ही जहाँ आप ये क्रिया करें, इसके साथ ही अगली क्रिया भी साथ ही संपादित कर लें, तो और भी विशेष लाभ आप ले सकेंगे, और उसका नाम है गणेश क्रिया। भाई तैलसा उसके विषय में भी आपको बता रहे हैं। अब वस्ती क्रिया से हमें जब सफाई की, तो उसके बाद भी कुछ मल अंदर चिपका रह जाता है, जो चिकना चिकता मल होता है वो फिर भी आँख में अंदर गुदा के अंदर से चिपका रह जाता है। तो उसकी शुद्धि के लिए, ताकि पूर्णतः ये स्थान शुद्ध हो जाए और अंदर किसी किस्म का कोई कीटाणु है वो भी ना रहे, कोई बीमारी नीचे है वो भी खत्म हो जाए और मल बिल्कुल साफ हो जाए, तो उसके लिए है गणेश क्रिया। गणेश क्रिया में क्या करते हैं कि अरंडी का तेल लेते हैं, कैस्टर ऑयल जिसको बोलते हैं, अरंडी का तेल केमिस्ट के मिल जाता है, तो वो तेल लेकर इस हथेली के ऊपर थोड़ा सा रख लेते हैं। अब इस दाएं हाथ की या अंगूठे के साथ वाली दो उंगलियां, इसके नाखून कटे हुए चाहिए, या आप इस पर रबर की फिंगर डाल लें, केमिस्ट की मिलती है वो डाल लें। इसके बाद पहले इस उंगली के साथ में आप तेल को लगाएं, कैस्टर ऑयल को, और गुदा के अंदर उंगली को डालें। गुदा के अंदर उंगली डालकर जहां तक भी ये जाए, हल्का हल्का चारों तरफ मालिश करना है, हल्का हल्का घुमाना है। जिस उंगली को घुमाएंगे तो जो अंदर मल चिपका हुआ है वो इस उंगली के साथ लग के बाहर निकलेगा। तो इस तरह से आप आधा मिनट या एक मिनट तक अंदर हल्का हल्का उंगली को घुमाते रहें। जब इसके साथ मल लग के बाहर निकल आएगा, तो इस उंगली को बाहर निकाल लें, इसको फिर धो लें अच्छी तरह से। फिर जो लंबी उंगली है इसके तेल लगाएं, कैस्टर ऑयल, इसके तेल लगाने के बाद में इस उंगली को डालें अंदर गुदा के अंदर, और जहां तक ये जाएगी थोड़ा और ज्यादा अंदर जाएगी, और फिर आप चारों तरफ इसको घुमाएं, हल्का हल्का आपने घुमाना है, दबाव नहीं देना। तो इससे भी फिर और अंदर तक का मल निकल के साफ होगा, जो भी मल अंदर चिपका हुआ है, उस तरह से बिल्कुल अंदर की पूर्णतः शुद्धि हो जाती है। और फिर दूसरी बात, क्यों जब अंदर उंगली को घुमाते हैं तो गुदा के अंदर एक इस दीवार के एक साइड में कुंडलनी शक्ति भी है, एक साइड में जो अंदर ये जगह है अंदर गुदा के अंदर, उसी के अंदर एक साइड में, तो जब हल्की हल्की उंगली आप अंदर घुमाएंगे तो उस कुंडलनी शक्ति में भी चेतना आनी शुरू हो जाती है, और उससे भी आप रीढ़ की हड्डी में कंपन और अंदर एक अलग ही अनुभव आपको शुरू हो जाता है। और इस अकेली गणेश क्रिया से आपके शरीर के अंदर डर भय चिंता जो व्याप्त रहती है हमेशा, कई बार हमें हम सोचते हैं कि ये क्या होगा, ऐसे क्या हो जाएगा, यूं वो डर भय चिंता कंप्लीटली खत्म हो जाती है, आप एक निर्भर बनते जाएंगे। और आप कहीं पर भी जाके कहीं बोलना हो, किससे बात करनी हो, कुछ भी करना हो, कोई साधना करनी हो, चाहे ऐसी ही साधना है, आपके मन में डर नहीं आएगा, आपके मन में भय नहीं आएगा, सिर्फ एक क्रिया से। और कभी भी आगे आपके कर्ज नहीं होगी, पेट साफ रहेगा, सिर्फ इस अकेले इस क्रिया से, गणेश क्रिया से, और अंदर लुब्रिकेशन हो जाएगी है, अंदर कोई जर्म्स है तो वो भी तेल के लगाने से खत्म हो जाएंगे। तो बहुत ही जरूरी क्रिया है ये, जिसका नाम है गणेश क्रिया, और बहुत ही आसान है। और हमेशा इन क्रियाओं में आप गुरु चिंतन करते रहेंगे, जो गुरु जी का गुरुदेव का सहचर्य है, हर क्षण हमारे साथ है, और उसमें कोई मन में आपके घबराहट नहीं होनी चाहिए, कोई दूसरा चिंतन नहीं होना चाहिए, सब कुछ अपने आप ठीक होता जाएगा। लेकिन आप करिए एक बार, कदम आपने बढ़ाना है। इसके साथ ही एक क्रिया और भी आप उसका लाभ ले सकते हैं अपने घर पर, और वह क्रिया है कुंजर क्रिया। कुंजर क्रिया में ये है कि आप एक जग में थोड़ा सा हल्का गुनगुना पानी ले लें, उसमें हल्का नमक डाल लें, यदि नींबू है तो नींबू का रस छान करके उसमें डाल लें, नींबू के बीज आदि न हो, और फिर आप उसको
एक दो गिलास, दो गिलास, तीन गिलास, चार गिलास, पांच गिलास, जितना आप पी सकें वो पूरे जग का पानी आप यदि अपने पीते चले जाते हैं तो वो सब आपके पेट में अंदर जब पानी पहुंचेगा तो पेट थोड़ा सा आपका जरूर सख्त होगा, लेकिन थोड़ा सा टहलने के बाद या आप लेट करके आप चित लेट जाए, दाएं बाएं करवट ले लें और कुछ एक दो जैसे आपके आसन हैं उन आसन को आप कर लें, लेटने वाले और बैठने वाले, तो उसके बाद फिर आप खड़े हो जाएं और इस स्थिति में जब वो अंदर जो आपने पानी लिया है एक तो नींबू के असर की वजह से और दूसरा नमक होने से ये अपने आप में केमिकल जो इम्पैक्ट अंदर बनता है वह सब शुद्धि जो आपकी आकार है उनको एकदम से वहाँ से छुड़ाता है, जो पित्त की मात्रा बढ़ी हुई है अंदर कफ जो है वो वहाँ से जगह छोड़ता है और फिर आप उसको ये जो आपका तालू है अंदर गले का प्रदेश यहाँ पर आप उंगली ले जाएं अंदर और उसको जब आप टच करेंगे उंगली वहाँ छुएगी तो वोमिटिंग सेंसेशन पैदा होगा। जब ये वोमिटिंग सेंसेशन होगा तो आप थोड़ा सा झुक जाए, पेट को अंदर सिकोड़ करके आप मुंह के रास्ते उस सारे पानी को निकाल दें तो उल्टी कर दें वो सारा पानी बाहर आ जाएगा और जब पानी बाहर आ जाएगा तो आपके नाक से आँख से भी कुछ पानी उस स्थिति में निकलेगा, वह गंदगी होगी और फिर उसके बाद आप शांत होकर के लेट जाए। यह क्रिया आप एक बार में दो राउंड भी कर सकते हैं और जब आप बिल्कुल अपने को निर्मल शांत पेट को बिल्कुल हल्का महसूस करें तब थोड़ा सा शवासन में लेट जाएं और उसके बाद आप इसका लाभ जो है पूर्ण रूप से जो पेट से संबंधित है, जो हमारे चिंताओं से संबंधित है, जो वात पित्त कफ से संबंधित है, उन विकारों से आप मुक्त हो जाते हैं। तो ये क्रिया भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप कर सकते हैं। आज की इन क्रियाओं के साथ हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जो आप कर सकते हैं अपने घर पर ऐसे महत्वपूर्ण कुछ आसन भी, योगिक आसन भी आज हम दिखाने जा रहे हैं, आप उनको देखेंगे और उनको अपने अभ्यास में लाएंगे। भाई पैसा और हमारे जितीश भाई बैठे हैं इनसे निवेदन है कि दोनों मंच के एक साइड में आप ऊपर आ जाएं और ये आसन आप एक एक करके समझ लें ताकि इन आसनों का आप उपयोग कर सकें। इसमें हम पहले आपको तीन आसन बैठ करके करने वाले, तीन आसन लेट करके करने वाले ये सिखाने जा रहे हैं। जो साधना में हमें उपयोगी आसन है साधक के रूप में मंत्र जाप के लिए, ध्यान के लिए, उसमें आपने पद्मासन का नाम पढ़ा भी है, सुना भी है और अभ्यास में भी लाने का प्रयास किया है। तो ये पद्मासन जो है किस प्रकार से लगता है और इसका क्या लाभ है ये आप थोड़ा सा एक क्षण समझ लें। ये आसन जो है हमारा एक पैर पंजा एड़ी दूसरे पैर की जंगा पर स्थापित होता है। देखिए सामने भाई पैसा और हमारे दूसरे भाई डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। ये स्थिति हुई अर्ध पद्मासन की। प्रारंभ में हम इसका अभ्यास करें और जब हमारा पैर दुखना बंद हो जाए, अभ्यस्त हो जाए, तो फिर पूर्ण पद्मासन यानी दूसरा पंजा और एड़ी दूसरी जंगा पर हम स्थापित कर लें और जितना हमारी कमर की ओर हमारा पंजा उंगलियां जा सके उतना ले जाएं। एड़ी हमारी जो कोख है उसका चिपकी हुई हो, एड़ियां हमारी बिल्कुल जो है जमीन से लगी हुई हो और मेरुदंड सीधा हो, इस प्रकार से आप बैठेंगे। तो ये जो स्थिति है ये पूर्ण पद्मासन की है। हाथ की स्थिति आपकी दोनों कलाइयां दोनों घुटने पर सीधे हाथ तने हुए, इस प्रकार से ये जो मुद्रा बैठने की आप देख रहे हैं मंच पर ये पूर्ण पद्मासन की स्थिति है। साधक के लिए कुंडलनी जागरण यानी
हमारे मन की वृत्तियों को एकाग्र करने के लिए यह आसन आपने योगियों को इस आसन में बैठे देखा, तो वो इसीलिए इसका अभ्यास करते हैं कि ये स्वतः कुंडली चैतन्य करने का आसन है, हमारे जो सुषुम्ना है उसको ऊर्ध्व गति देने का आसन है और आत्म से परमात्मा को ब्रह्म को जोड़ने के लिए ध्यान के माध्यम से हमें ध्यान में ले जाने का आसन है। इसके साथ ही हमारे शारीरिक विकार भी इससे नष्ट होते हैं, कमर का दर्द, हमारे जंघाओं का दर्द, हमारे शरीर में जो अन्य विजातीय विकार कहीं पर किसी एक अंग प्रत्यंग में जमा हो जाते हैं उनको दूर करने का भी यह एक सरल साधन और विधि। अब हम आपको दूसरा आसन बताने जा रहे हैं। दूसरा आसन सिद्धासन। सिद्धासन में अब आप खोल लीजिए अपने पद्मासन को और दूसरे आसन को जिसका नाम सिद्धासन है, इसमें हम बाएं पैर की एड़ी को अपने गुदा द्वार के पास ले जा करके स्थापित करते हैं। आप देख रहे हैं सामने दोनों भाइयों को, आप भी ऐसा ही करते चले, अभ्यास साथ में आप करते चलेंगे तो सीख लेंगे। और इसके बाद जो दूसरे पैर की हमारी एड़ी है उसको आप ले जाएं और जो हमारा मूलाधार प्रदेश है, लिंग प्रदेश जो है, वहां पर उसको हम ले जा करके स्थापित करते हैं। परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम रीम मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय रीम ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवि तुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।